गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने हाथों को कुछ देर तक पानी में रखते हो तो वह ऐसे खुरदरे क्यों हो जाते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत चिकनी होती है और जिन पे ग्रिप बनाना बहुत हार्ड होता है, और इनफैक्ट पानी में तो ग्रिप बनाना और भी ज्यादा हार्ड होता है। इसीलिए आपकी बॉडी इतनी समझदार है कि पानी में आपके हाथों को वो खुरदरा कर देती है ताकि आप चीजों पे ग्रिप आसानी से बना सको। हमारी अर्थ प्लेनेट के पास तो एक ही चांद यानी कि मून है, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा चांद है यानी कि मून है, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप लोग जुपिटर का नाम लें, जिसके पास अभी तक 79 मून डिस्कवर हुए हैं। लेकिन आपकी नॉलेज अपडेटेड नहीं है। चलिए आपकी नॉलेज को मैं अपडेट कर देता हूं। एक्चुअली सैटर्न यानी कि शनि जुपिटर को पीछे छोड़ते हुए 82 मून के साथ नंबर वन पोजीशन पे आ गया है, यानी कि शनि के पास 82 मून डिस्कवर किए गए हैं। अमेरिका में एक बंदा है जिसका नाम है जॉन हैरिसन। अब इस बंदे की जॉब के बारे में सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। ये बंदा अमेरिका की एक बड़ी आइसक्रीम कंपनी में आइसक्रीम टेस्टर की तरह काम करता है, मतलब आइसक्रीम को टेस्ट करने की नौकरी। कितनी यमी जॉब है ना ये। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इनकी जीव को इतना वैल्यूएबल माना गया है कि यही बंदा आइसक्रीम को टेस्ट करके बताता है कि कौन सी आइसक्रीम मार्केट में चलेगी और कौन सी आइसक्रीम मार्केट में नहीं चलेगी। इसी के चलते उनकी जीव का 7 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस तक करवाया गया है। गाइस, चलिए मैं आपको आज मैथ्स के 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, आपने मैथ्स में फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में तो सुना होगा, वही 1/2, 2/3, 3/4। तो मेरा सवाल यह है कि जो बाई है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे क्या बोलते हैं? हमने आज तक कभी नहीं सोचा होगा कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन का भी कोई नाम है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं, इसका नाम है विनकुलम। याद रखिएगा, विनकुलम। फैक्ट नंबर 2, 0 अकेला ऐसा नंबर है जो कि रोमन संख्या में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। गाइस, क्या आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर को अपने इनिशियल दिनों में मारुति 800 जैसी एक सिंपल कार खरीदने के लिए बैंक से 40,000 रुपए का लोन तक लेना पड़ गया था, और आज वही सचिन तेंदुलकर BMW जैसी कंपनी के इंडिया में वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर है। इन तस्वीरों से यह साफ होता है कि अगर आप में डिटरमिनेशन है और अगर आप में विल पावर है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। इसीलिए अपने आप पे विश्वास रखो और जिस चीज को कर रहे हो उसको करते रहो, तब तक जब तक आपको सफलता हाथ नहीं लग जाती।